नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग के अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वुडन चॉपिंग बोर्ड विथ नाइफ सेट एंड सीजर। तो दोस्तों, चॉपिंग बोर्ड एंड सीजर के साथ हमको यहाँ पे शेफ्स नाइफ, पेयरिंग नाइफ एंड क्लीवर्स नाइफ यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो के आगे में कौन सा नाइफ कहाँ पे यूज होता है वो भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं वुडन चॉपिंग बोर्ड विथ नाइफ सेट एंड सीजर। तो चले बॉक्स हमारे सामने है दोस्तों। तो सबसे पहले कोई डैमेज के लिए चेक कर लेते हैं दोस्तों, कहीं पे बॉक्स डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पे कॉर्नर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा बॉक्स जो हमको यहाँ पे डैमेज मिला है, आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा डैमेज है दोस्तों। तो ओपन करने के बाद प्रोडक्ट को देखेंगे कहीं वो डैमेज है या नहीं। अगर डैमेज मिलता है तो दोस्तों प्रोडक्ट को हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए एक ही यहाँ पे डैमेज मिला है, तो सबसे पहले दूसरे नाइफ से हम सेलो टेप को हटा देते हैं दोस्तों अमेजोन की। चलिए एक साइड का हट गया है। तो ये देखिए चॉपिंग बोर्ड विथ नाइफ सेट एंड सीजर हमारा यहाँ पे सामने है, बॉक्स हमारा हो गया है खाली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किचन यूटेंसिल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है दोस्तों और कंपनी का नाम HMEDI है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सुंदर सा नाइफ सेट यहाँ पे हमको सामने ही दिख जाता है दोस्तों, और उसके नीचे में है चॉपिंग बोर्ड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3, 5 और 1 6, टोटल 6 आइटम हमको इस बॉक्स में मिली है। देखिए पीछे की साइड में आप यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड देख पा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो है ये प्लास्टिक में रैप है दोस्तों। तो यहाँ पे मटेरियल भी आप देख पा रहे हैं स्टेनलेस स्टील नाइफ का मटेरियल है दोस्तों। तो जितने भी नाइफ और सीजर सेट है तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है, और चॉपिंग बोर्ड है दोस्तों वो वुडन का है। तो चलिए ये प्लास्टिक को हटा देते हैं हम लोग। तो चलिए प्लास्टिक यहाँ पे दोस्तों निकल गया है। तो यहाँ पे सामने हमको दिखाई देता है वुडन चॉपिंग बोर्ड। तो क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर लग रही मेरे को, क्योंकि इस वुडन का क्वालिटी उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे स्टिकर जो हमको मिला था किचन यूटेंसिल्स, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेनलेस स्टील, तो पूरा पूरा जो सेट है स्टेनलेस स्टील का, जैसे कि मैंने बताया। देखिए ये है चॉपिंग बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा सा पुअर है दोस्तों। फिनिशिंग उसका साइड में अच्छा है, लेकिन जो उसका होल है वहाँ पे फिनिशिंग अच्छा नहीं है। तो मैं थिकनेस भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए तकरीबन 10 mm के अराउंड ये थिकनेस है इसका, देख पा रहे हैं 10 mm थिकनेस है। लेंथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेज़र करके। तो लेंथ आप देख पा रहे हैं तकरीबन 320 mm के अराउंड है दोस्तों, 320 mm इसका लेंथ है। और अभी विड्थ चेक कर लेते दोस्तों, तो इस वुडन चॉपिंग बोर्ड का विथ है अराउंड 200 mm, तो 200 mm इसका विथ है। 200 mm इंटू 320 mm इंटू 10 mm, तो इसका साइज है चॉपिंग बोर्ड का। यहाँ पे एक होल भी है जिसको आप हैंग कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड को काम होने के बाद। तो चलिए चॉपिंग बोर्ड को फिलहाल के लिए साइड रखेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे नाइफ के ऊपर। तो देखिए बूचर या तो क्लीवर्स नाइफ बोलते हैं इसको, देख पा रहे नीचे का जो मटेरियल है, जो नाइफ मटेरियल वो है स्टेनलेस स्टील, और हैंडल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल है दोस्तों, रिवेटिंग किया हुआ है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे सीजर्स की दोस्तों। तो सीजर का क्वालिटी भी मैं थोड़ा सा पुअर बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का हालांकि सीजर है बट उतना शार्पेज नहीं है दोस्तों पहली बात, और दूसरा उसका जो प्लास्टिक जो रैप है उसका भी फिनिशिंग अच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाऊँगा दोस्तों, देखो अरे यहाँ पर थोड़ा सा फिनिशिंग में गड़बड़ है, और यहाँ पे एजिस में तो फिनिशिंग का बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। देखिए अभी फोकस हुआ, देख पा रहे हैं फिनिशिंग इसका अच्छा उतना नहीं है। चलिए तो तीसरा नाइफ भी हम देख लेते हैं। ये आ गया बोनिंग नाइफ। तो देखिए नीचे में भी स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ दोस्तों, तो नीचे का मटेरियल स्टेनलेस स्टील है नाइफ वाला, और हैंडल जो है इसका प्लास्टिक। ये वाला है पेयरिंग नाइफ दोस्तों, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील। और लास्ट वाला ये जो आ गया ये है शेफ्स नाइफ, ये भी दोस्तों मटेरियल इसका स्टेनलेस स्टील है। तो चलिए अभी सारे का यूज़ एक बार देख लेते हैं, कौन सा नाइफ को क्या बोलेंगे और उसका क्या यूज़ है।
तो आज की वीडियो में यही था। ऐसे ही मजेदार और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।